देख रहे हैं ना दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म लग तो रोटी रही है, पर दोस्तों ये आज मैंने बनाई है खमीरी रोटी। जो कि आटा, आजकल गर्मियां हैं, फ्रिज में रखने के बावजूद भी कभी कभी खमीर मार जाता है। तो खमीरी रोटी बन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मुलायम और बहुत ही नरम बनती है। और पचने में भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, पचती भी बहुत अच्छे से है। और ये देखिए कितनी शानदार बनी है ना मेरी रोटी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कैसे अंदर से एकदम जालीदार बनी है। ये देखिए और एकदम नरम। तो बस इसको आप देसी घी के साथ में या जैसे मक्खन के साथ में, जैसा भी आपका दिल करते वैसे आप बनाइए। और गर्मी के मौसम में अगर ऐसे आटा खमीरा हो जाए तो आप भी खमीरी रोटी बनाइए। और इसको दाल से, आम रस से, सब्जी से, जिस मर्जी से खाइए, बहुत ही स्वाद बनती है। बस ये है कि आटा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज इसी का, कि आज मैंने इस खमीरे आटे की रोटी को बनाने के लिए मैंने क्या क्या प्रोसेस किए और इसको बहुत ज़्यादा खट्टा होने से बचाने के लिए भी मैंने क्या किया। बस शुरू करते हैं आपके साथ, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी चल लिटिल किचन से। दोस्तों गर्मी के साथ साथ अब ये ह्यूमिड वाला मौसम भी शुरू हो गया, और आजकल घर के अंदर में फ्रिज में भी रखने के बाद में भी आटा फूल जाता है, यानी खमीरा हो जाता है। तो ये खमीरे आटे को हम अब क्या करें, बहुत अच्छे प्रयोग हैं इसके। पहले तो आप इसको खमीरी रोटी बना सकते हैं, दूसरा आप इसको थोड़ा सा मल के आप इसे पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, और आप इसको इसी से आटे के भटूरे भी बना सकते हैं। ये देखिए आटा जो है अच्छे से खमीरा हो गया हुआ है, पर अभी इसमें इतना खट्टी स्मेल नहीं आई है कि जिसे हम कह सकें कि खट्टापन आ गया। तो बस इसी स्टेज के अंदर के आटे के साथ में मैं आज बनाने जा रहा हूँ ये थोड़े से तवा नान, ताकि खमीरा आटा भी प्रयोग में आ जाए और मेरा नुकसान भी ना हो और सेहत का भी नुकसान ना हो। और दोस्तों वैसे भी हम बचपन से सुनते आए हैं कि खमीरी रोटी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आज मैं इसी के खमीरी रोटी कम तवा के कुलचे बनाने जा रहा हूँ। तो बस आटे को मैं इसमें से निकाल लूँगा, थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा प्लेथन लगा के, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि ये बहुत ही लचकीला और नरम हो गया है। ये देखिए एकदम नरम हो गया है। और वेस्ट क्यों करना है जब सारा निकल सकता है। तो बस इस आटे से मैं झटपट आप बनाने जा रहा हूँ अपनी खमीरी रोटी या तवा नान। ऊपर से मज़े की बात ये दोस्तों कि ना तो हमने इसमें दही लगाना है, ना बेकिंग पाउडर, ना मीठा, ये एक नेचुरली अपने आप ही खमीरा हो गया। ये देखिए, और अब इसको थोड़ा सा मैं आटा डाल के एक बार इसलिए बना लूँगा, मिला लूँगा, ताकि ये मेरे को बिलने टाइम थोड़ा सा कोऑपरेट करे, तंग ना करे। ये देखिए, और ये इसी तरीके से, और कोई पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने बस इसको वापस से मैनेजेबल सिचुएशन तक हमने इसको थोड़ा सा मल लेना है। वैसे भी जब हम किसी चीज़ को खमीर देते हैं तो जब वो खमीरी हो जाती है तो उसको भी हम पंच करते हैं ना, तो बस यही एक प्रोसेस है। और अब फटाफट मैं इसको करके इसके साथ में बनाने जा रहा हूँ आज खमीरी रोटी उर्फ तवा नान। लीजिए दोस्तों, मैंने आटे को अच्छे से पंच कर लिया है, और ये देखिए अब ये वैसा हाथ में चिपक भी नहीं रहा, परंतु खमीरापन अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद है। बस अब इसके झटपट में लोइयां काट लूँगा और इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगा। ये मैंने अच्छे से पेड़े काट लिए हैं, और अब इनको मैं 15 से 20 मिनट हल्के से डैम्प क्लॉथ से गीला करके इसको मैं कवर करके रख दूँगा, और फिर मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। बस मैं यूं गया और यूं आया। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरे पेड़े प्रूफ होते हुए देखे ऑलमोस्ट फिर से बड़े हो गए हैं, और ये देखिए कैसे फ्लफी हो गए हैं ना। अब इसको कुछ नहीं, अब इसको हल्का सा प्रेस करते हुए हमने इसकी जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेल लेनी है, और तवा अच्छे से गर्म कर लेना है। तो ये मेरी रोटी गई बिलने के लिए, ये देखिए
और बहुत पतली नहीं बेलनी है, आराम से हल्का सा प्लेथन लगा के बस। ये देखिए जो हम रोटी बेलते हैं उससे थोड़ी सी हमने थोड़ी सी मोटी बेल ली है ये, और बस अब आते हैं हम सीधा तवे पे। ये तवा फर्स्ट क्लास गरम, और ये देखिए बस रोटी भी इस पे शुरू, और अभी इस पे बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हल्के हल्के बुलबुले आने शुरू हो गए ना, ये यानी कि इसमें खमीर ने अपना काम कर दिया। तो बस उलट पलट के हम इसको ऐसे ही झटपट पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कैसे फर्स्ट क्लास फूलती जा रही है और फर्स्ट क्लास बनती जा रही है। तो ये थी मेरी एक प्रयास खमीरी रोटी, जिसके अंदर में आटा अगर खमीरा हो जाए तो हम उसको हम कैसे प्रयोग में लेके आए, तो हम इसको खमीरी रोटी बना के प्रयोग में ले आते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है, पाचन में भी बहुत आसानी से पच जाती है। तो आप कभी भी आटा खमीरा हो जाए तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। ये देखिए कितने छोटे छोटे बुलबुले आने शुरू हो गए ना, बस इसके साथ में जैसे ही एक तरफ से ऐसे बुलबुले आ जाएं झट पलट दीजिए, और पलटने के बाद में अब मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर में इसको धीरे धीरे सेक लीजिए। और सीधा उसके बाद में देखिए गैस के ऊपर में हल्का सा सीधा रखिए, और ये फर्स्ट क्लास मेरी खमीरी रोटी बिल्कुल तैयार। ये देखिए बस हल्का सा थोड़ा सा और सेकना, और ये मेरी रोटी एकदम तैयार। तो ये देखिए इस कितनी फर्स्ट क्लास और कितनी ही मुलायम बनी है एक एक, और बिल्कुल करारी भी नहीं और सख्त भी नहीं और एकदम लटकी हुई ढीली भी नहीं। तो ये थी मेरी खमीरी रोटी जो मैंने आज बनाई और आपके साथ शेयर करी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप नई ट्रिक और नई रेसिपी के साथ में। तब तक बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माय वीडियोस नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही खाते रहिए, मौज मनाते रहिए, बचाते रहिए और पैसे भी बचाते रहिए। तो मिलूँगा कल, आपका दिन शुभ हो।